गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो दिन है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है, तो प्लीज़ व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज का व्लॉग काफ़ी फन होने वाला है, उसके साथ साथ प्रोडक्टिव भी होने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देख लेना। और हाँ, अगर अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने बैकयार्ड में कुछ प्लांट्स को देखने। तो देख सकते हैं यहाँ पर बैंगन जो है काफ़ी सारे आ चुके हैं, और मैंने काफ़ी ज़्यादा बैंगन इस बार खाया भी है। तो बस उन्हीं को मैं देखने आई थी। और ये जो है देख सकते हैं छोटे छोटे मेरे जो अरबी के पत्ते हैं ना, वो भी निकल आए हैं। तो अरबी मैंने लगाया था, मैंने ऐसे ही रैंडमली डाल दिया था 4-5 अरबी, और वो चारों लग चुके हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, देख सकते हो अभी छोटे हैं। एंड आई एम सो सॉरी, मेरा अभी थोड़ा गला सही नहीं है, भारी है गले में, बहुत ही ज़्यादा खराश है। तो मुझे नहीं पता कितना मैं व्लॉग मतलब वॉइस कर पाऊँगी, वॉइस ओवर। सो या ऐसा ही कुछ रहा अभी, आजकल थोड़ा चल रहा है, वेदर भी ऐसा है। तो सो एनीवेज, यहाँ पर आज मैं क्लीन कर रही हूँ अपना फ्रिज। तो डीपली क्लीन करने का टाइम आ गया है, तो मंथ में एक बार ही मैं डीपली क्लीन करती हूँ, अदरवाइज़ नॉर्मली ऐसे ही मैं क्लीन कर देती हूँ। उसके ऊपर मैं मैट रखती हूँ, तो अगर आप डायरेक्ट मैट को भी उठा कर क्लीन कर देते तो काफ़ी अच्छा रहता है, नीचे ज़्यादा कुछ गिरता नहीं है। बट क्योंकि मेरे दो बेबी बॉयज़ है, तो समझ सकते हो बॉयज़ कितने ज़्यादा नॉटी होते हैं, चीज़ें इधर उधर करते रहते हैं, हमेशा फ्रिज खोलते हैं और मिक्स करते रहते हैं यहाँ की चीज़ें वहाँ। तो बस इन्हीं को अच्छे तरीके से भी क्लीन कर लूँगी, और काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो रखा था। और आज मैं हाँ स्किन केयर थोड़ा सा करने वाली हूँ, हेयर केयर भी करने वाली हूँ काफ़ी लंबे टाइम बाद। और क्योंकि बहुत जल्द मैं मम्मी के यहाँ जाने वाली हूँ, जब तक आप ये व्लॉग देखोगे तब तक मैं जा चुकी रहूँगी मम्मी के यहाँ। तो इसीलिए सोचा कि जाने से पहले मैं कहीं भी जाती हूँ तो फ्रिज जो है क्लीन करके जाती हूँ, सारे चीज़ों को पैक करके, सोफ़ा कवर करके, ताकि आऊँ तो थोड़ा मुझे क्लीन मिले, ज़्यादा गंदा ना हो। तो हमारा फ्रिज जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है, और सारी चीज़ों को निपटा कर जाऊँगी। अभी जाने में खैर 4 से 5 दिन है, बट स्टिल सारी चीज़ों कर दूँगी ताकि मुझे जाने से पहले थोड़ा पैकिंग का भी टाइम मिल सके। एंड ये रहा हमारा, हो गया। जैसे अभी फ़िलहाल मैंने सब चीज़ें ऐसे ही डाल दिया है, एंड अब टाइम है मेरे ऐसे बालों का थोड़ा सा केयर करूँ। मतलब कंडीशन आप देख सकते हो, बिल्कुल शाइन नहीं है, तो काफ़ी फ्रीजी हो चुके हैं हेयर, और मेरे थोड़े है भी, तो इसीलिए मुझे टाइम टू टाइम थोड़ा कुछ करना पड़ता है, बिल्कुल ड्राई सा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने मिक्सर ले लिया दही का, इसमें दही में मतलब मिक्सर में मैंने एलोवेरा डाल दिया था, फ्रेश दही डाल दिया था, एग डाल दिया था, और बस उसको लगा लूँगी मैं। उसके बाद मैं फेस पैक भी लगाऊँगी, तो वो आप देखते रहना। एंड आई थिंक, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो शायद मैंने इसमें फ्लैक्स सीड जो होता है ना, उसको बॉयल करके उसका जेल भी डाला था, तो वो भी हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। एंड मेरे गले में बहुत पेन हो रहा है अभी इस टाइम पर मैं वॉइस दे रही हूँ, तो आई होप आप समझ सकते हो मेरी वॉइस उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, मुझे खुद फील हो रहा है। एनीवेज, मैं पहले थोड़ा सा बालों में लगा रही थी, तो काफ़ी घर में गिर रहे थे, तो मैं पीछे गार्डन में चली गई। अब यहाँ पे गिरेंगे तो इतनी स्मेल नहीं आएगी खुले में, अगर गिरेगा भी तो एग, क्योंकि एग का स्मेल आता है और चिपचिपा भी हो जाता है। तो मैंने बालों में अच्छे तरीके से लगा दी, उसके बाद यहाँ पर मैं पोछा भी लगा रही हूँ, ये एक पोछा मैं बाहर रखती हूँ बाहर के लिए ही, तो ताकि थोड़ा सा चिपचिपा सा ना हो, हालाँकि यहाँ पर तो धुल जाता है पाइप से। और बस उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी रूम में, एंड पीछे भी थोड़ा सफाई मुझे करना है, बहुत ज़रूरत है पीछे भी सफाई करने की। बट कितना भी आप गवर्नमेंट क्वार्टर को कर लो, घस घस के आपके हाथ दुख जाएंगे, कट जाएंगे, छिल जाएंगे, लेकिन चमक नहीं आएगी। तो यही होता है, क्योंकि अब घर भी 50-60 साल पुराना है, तो आप कैसे चमका सकते हो, इतना चमक नहीं ला सकते। और हर एक इंसान का रहने का तरीका अलग होता है, हमसे पहले जो रहा है जैसे रहा है वो लास्टली ऐसे ही छोड़ के चले जाते, कोई भी इतना डीपली क्लीन नहीं करता है। तो एनीवेज, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फेस पैक, जिसमें आई गेस मसूर का दाल मैंने ग्राइंड करके डाला था, एंड बेसन डाला था, और हल्दी, यही सारी चीज़ों को। उसके बाद फेस पैक लगाने के बाद मैंने
फेस को ऐसे ही वॉश कर लिया, उसके बाद मैंने सोचा फ्रेश जो एलोवेरा है उनको भी मैं लगा लेती हूँ, अभी थोड़ा टाइम था मुझे नहाने में, तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है अच्छे तरीके से मसाज करते हुए। आजकल मैं फ्रेश एलोवेरा जेल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अभी मैंने सोचा है कि मैं खाना भी स्टार्ट कर दूँ अपने डाइट में, इसको खाऊँ भी ना सिर्फ ऊपरी लगाऊँ, क्योंकि इसके खाने के भी बहुत हेल्थ बेनिफिट है। तो मैं मॉर्निंग में सोचती हूँ कि पानी पीने के बाद इसको मैं ज़रूर खाऊँ। एंड उसके बाद गाइस आज है बहुत ही स्पेशल डे, तो अभी मैं बना रही हूँ खीर, और ये खीर कोई नॉर्मल खीर नहीं है, ये है कैरमलाइज खीर। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने शुगर को मेल्ट करके कैरमलाइज बना दिया, और इसको देंगे इसका तड़का, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस तरीके से तड़का देने में। आई एम सो सॉरी अगर बीच में मुझे खांसी आ जा रहा है। सो यहाँ पर बेसिकली आपको घी लेना है 1 टेबल स्पून, उसमें आपको शुगर मेल्ट करके डालना है तो कैरमलाइज हो जाता है, एंड देन इसमें डालना है। मैंने फिर इसमें इलायची और सारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको भी घी में हल्का फ्राई करके डाल दिया है। एंड यहाँ पर बन रहा है काफ़ी सारा बर्गर। सो यहाँ पर बता दूँ कि एनिवर्सरी मेरी है उसकी ही छोटी सी किटी पार्टी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड मेरे है नहीं, दिल्ली गए थे, तो आप समझ सकते हो। तो जो लोग आई एम श्योर जिनके हस्बैंड इस तरीके से हैं फौजी में, मतलब फौज में हैं, तो उनको वो समझ सकते हैं हमारा कुछ फिक्स नहीं होता है। कई बार हस्बैंड टीडी जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं घर से बाहर कुछ काम के सिलसिले में, और वो कभी भी प्लान बन जाता है 10 डेज 15 या 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ कुछ भी हो सकता है। तो मेरा बैड लक था कि एनिवर्सरी के टाइम पर ही हस्बैंड को टीडी जाना पड़, बट फ्रेंड्स चाह रहे थे कि छोटा सा मतलब गेट टुगेदर करें, एंड हस्बैंड ने भी कहा उस दिन बेकार फील होगा तुम्हें, बोर फील होगा, तो इसीलिए तुम भी फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर लो। एंड इसमें किटी पार्टी में जैसा कि गर्ल्स ही होती है, सारी लेडीज़ होती है, सो मैं म्यूज़िक नहीं डाल पा रही हूँ बिकॉज कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। सो आई होप आपने देख लिया होगा, छोटा बहुत ही छोटा सा ऐसे क्लिप मैंने डाल दिया है, थोड़ा बहुत म्यूज़िक लगाया है, अदरवाइज़ कॉपीराइट, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ये वीडियो डालने का, इसीलिए मैंने म्यूज़िक बिल्कुल इसमें म्यूट कर दिया है। सो सो गाइस यही सारी क्लिप है डांस की। सो हमने यहाँ पर गाइस बहुत इंजॉय किया, और काफ़ी कुछ मैंने बनाया था, एंड काफ़ी लोगों ने बहुत तारीफ़ की, स्पेशली पनीर टिक्का की, जो मैंने कोयला का स्मोकी फ्लेवर डाल के बहुत ही अच्छा दिया था, मैरिनेट कर लिया था एक दिन पहले ही रात को। सो और थीम था हम लोगों का साड़ी पहन के आना, इंडियन ड्रेस में ही था और उसमें भी साड़ी था, और इस तरफ देख सकते हो बच्चों का एक्साइटमेंट मुझसे ज़्यादा है। तो अभी सारे लोग चले गए हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स आए थे, और अब मैं जा रही हूँ साड़ी खोलने, क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत हैवी है, मतलब हैवी वैसा नहीं है बट स्टिल काफ़ी मतलब मोटा सा लग रहा है। सो या तो बच्चों को और सभी लोगों को बहुत मज़ा आया, जितने भाभी आए थे सब, तो चलो अभी मैं खोल लेती हूँ कपड़े, और ये नीरा को देखो यहाँ क्या कर रहा है। सो गाइस उसके बाद थोड़े बहुत मैंने क्लिप लिए और अपना रील्स बनाया।